of these sketches shows below most closely shows the variation of kinetic energy of Earth as it moves once around in an elliptical orbit. मतलब कि दैट यहाँ पर सन है और वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो उस इलिप्टिकल ऑर्बिट में जो आवर प्लेनेट है अर्थ वो रिवॉल्व कर रहा है, तो पूछा गया कि उसका जो काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है वो किस तरह का होगा। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने पढ़ा होगा कैपलस लॉ, तो कैपलस का जो सेकंड लॉ वो ये कहता है कि डी ए अपॉन डी टी यानी कि जो एरियल वेलोसिटी है वो होती है कॉन्स्टेंट, या फिर एरियल वेलोसिटी होती है एल अपॉन टू एम के इक्वल, तो एल अपॉन टू एम क्या रहेगा कॉन्स्टेंट। ठीक है, एल मतलब एंगुलर मोमेंटम होता है जिसका फॉर्मूला होता है एम बी आर, एम तो कॉन्स्टेंट होगा मास तो एल भी कॉन्स्टेंट होगा। अब देखो यहाँ पर मास और एल अपॉन एम को अगर मैं कहूँ तो वो होगा बी आर के कुल जो कि कॉन्स्टेंट होगा। अब यहाँ से एंड आर इज द रेडियस, तो वी इंटू आर जो होगा वो रहेगा कॉन्स्टेंट। अब जब कोई प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है तो उसका जो उसकी जो स्पीड होगी वो वेरी करेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मान लीजिए सन के पास है, लेट यहाँ पर दो पोजीशन में ले रहा हूँ, लेट यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है तो मैं इसको लिख रहा हूँ ये मैक्सिमम डिस्टेंस, और ये है मिनिमम डिस्टेंस, तो इसकी पोजीशन बी है वो होगी आर मिनिमम। तो वी इंटू आर कॉन्स्टेंट होने का मतलब ये है कि वी इनवर्सली रेडियस पर डिपेंड करेगा, रेडियस मतलब मीन रेडियस कह सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा। तो जब आर की वैल्यू मैक्सिमम है तो स्पीड यहाँ पर रहेगी मिनिमम, और जब आर की वैल्यू मिनिमम है तो यहाँ पर स्पीड रहेगी उसकी मैक्सिमम। तो जहाँ पर डिस्टेंस सन से पास होगा वहाँ पर स्पीड ज़्यादा होगी एंड वाइस वर्सा। एक बात तो क्लियर है कि उसकी स्पीड वेरी करेगी, और स्पीड वेरी करेगी तो काइनेटिक एनर्जी और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्योंकि स्पीड वेरी कर रही है तो इसलिए फोर्थ ग्राफ तो होगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट तो रहेगी नहीं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। दूसरा, जब प्लेनेट मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड मिनिमम होने के बाद इंक्रीज हो रही है, फिर मैक्सिमम हो रही है, फिर मैक्सिमम होने के बाद फिर से, मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो स्पीड धीरे धीरे क्या होगी इंक्रीज करेगी, और उसके बाद मैक्सिमम होने के बाद फिर से डिक्रीज करेगी और मिनिमम हो जाएगी यहाँ पर। तो इसका मतलब यह है कि ये वाला ऑप्शन टू और ऑप्शन वन ये इनकरेक्ट होंगे, क्योंकि ऑप्शन वन में तो ये दिखाया है कि इंक्रीज होने के बाद डिक्रीज हुई है, लेकिन वन कंप्लीट साइकिल के लिए एक बार और ये इंक्रीज होगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम पहुँची, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज होगी, फिर से मिनिमम होगी, फिर से इंक्रीज होगी। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थ्री। क्वेश्चन नंबर 82 है, जे जे थॉम्सन वॉज एबल टू डिटरमाइन द फॉलोइंग यूजिंग द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। पहले मैं इसकी थ्योरी बता देता हूँ। देखो एक्सपेरिमेंट बाय जे जे थॉम्सन, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था जिसको स्पेसिफिक चार्ज भी बोलते हैं। इसमें इन्होंने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल किया था जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगी चार्ज इंटू पोटेंशियल, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेट करके एक और चीज़, जैसे स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन होता है ई इक्वल टू स्पीड इंटू में मैग्नेटिक फील्ड, तो वी को रिप्लेस करेंगे हम ई अपॉन बी से, तो यहाँ पर हमने वी की वैल्यू रखी ई अपॉन बी, तो यहाँ से चार्ज टू मास रेशो आता है ई स्क्वायर अपॉन में टू बी स्क्वायर इंटू में बी का स्क्वायर, वी इंटू बी का स्क्वायर। तो ये सब कांस्टेंट है, तो चार्ज टू मास रेशियो होता है 1.758 इंटू 10 की पावर 11 कोलाम पर केजी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा कि उन्होंने चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 85 में पूछा है कि कोई ब्लॉक है जो कि स्लाइड कर रहा है हॉरिजॉन्टल टेबल पर, मतलब मान लीजिए टेबल है भी ब्लॉक है और स्लाइड कर रहा है। अब क्योंकि रफ है तो इसका मतलब इसमें फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में,
और फ्रिक्शन की वजह से जो वर्कडन होता है उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लिखते हैं म्यू इंटू में नॉर्मल रिएक्शन इंटू में डिस्प्लेसमेंट, या फिर माइनस म्यू नॉर्मल रिएक्शन मतलब एम जी इंटू में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्कडन होगा अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, तो उसकी वजह से इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज होगी और कुछ हीट जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा। तो यहाँ पर दो चीज़ें चेंज हो रही होंगी, पोटेंशियल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि हम उसकी हाइट वेरी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी उसमें होगी वो धीरे धीरे हीट एनर्जी में चेंज होती जाएगी जिसकी वजह से एक समय बाद वो रुक ही जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन थ्री, इट चेंज द काइनेटिक एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ ब्लॉक ओनली। क्वेश्चन नंबर 101 में पूछा है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसफॉर्मर किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो पहले मैं बता देता हूँ, ट्रांसफार्मर दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं, एक होता है स्टेप अप और एक होता है स्टेप डाउन। स्टेप अप में क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम यहाँ से अल्टरनेटिंग करंट पास करवा रहे हैं तो उसकी जो वोल्टेज होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल ये कह लो जो आउटपुट पर वोल्टेज मिलेगी वो ग्रेटर होगी इनपुट वोल्टेज के कंपैरिजन में। करंट के साथ इसका उल्टा होता है, करंट आउटपुट पर कम होगा, करंट इनपुट से पावर कांस्टेंट रहती है आइडियल ट्रांसफार्मर में। इसके अलावा जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जब हम वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, इस वोल्टेज को अल्टरनेटिंग करंट टाइप जो वोल्टेज होगा उसकी वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, अब इंक्रीज भी हो सकती है डिक्रीज भी हो सकती है। अल्टरनेटिंग करंट क्यों? क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो वो तभी हो सकता है जब यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट हो। अब स्टेप डाउन में इसका जस्ट उल्टा होगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज आउटपुट पर कम मिलेगी एज कंपेरेबल टू इनपुट वोल्टेज, करंट उल्टा हो जाएगा, करंट अब आउटपुट पर ज़्यादा होगा इनपुट वोल्टेज से इनपुट करंट से, और सेकेंडरी कॉइल वो कम होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर। मैंने आपको स्टेप अप भी बताया, स्टेप डाउन भी। और जो फॉर्मूला होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज का, वो बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और इक्वल होता है करंट, यहाँ पर सेकेंडरी तो यहाँ पर इनपुट करंट लेंगे, उल्टा होता है इसके केस में यहाँ पर आउटपुट करंट। एक फॉर्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि अगर करंट इतना है नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है तो फाइंड करो आउटपुट वोल्टेज कितनी होगी। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन वन, इंक्रीज और डिक्रीज वोल्टेज ऑफ एसी। क्वेश्चन नंबर 102 है, अगर हम किसी मेटेलिक प्लेट को हीट कर रहे हैं इज गेटिंग हीट, इनके कौन से रीजन हो सकते हैं। तो देखो अगर आप किसी मेटेलिक प्लेट को हीट कर रहे हो तो आपने फॉर्मूला पता पढ़ा होगा एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के अकॉर्डिंग अगर किसी मटेरियल में हम करंट भेजते हैं तो उसमें हीट जनरेट होने लगती है, तो हो सकता है कि आप डायरेक्ट करंट पास करवा रहे हो उससे भी हीट जनरेट होगी, आप अल्टरनेटिंग करंट दे रहे हो उससे भी हीट जनरेट होगी। द प्लेट इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, अब टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है इसका मतलब ये वहाँ पर पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं, और जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है तो वहाँ पर चार्ज फ्लो करने लगते हैं मतलब वहाँ पर करंट बन जाएगा, तो करंट बनेगा तो फिर से क्या होगा हीटिंग इफेक्ट होगा, तो जो प्लेट है वो गर्म हो सकती है, तो ये भी सही है। द प्लेट इज प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड ओनली, देखो स्पेस वेरिएशन से मतलब नहीं है, अगर वो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ए और बी और सी है, जिसका मतलब पूछा था कि कितनी स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है, तो ओनली थ्री स्टेटमेंट यहाँ पर मतलब तीन स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 103 में हमें पूछा है कि कॉपर का अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे रेसिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का तो कौन सा ग्राफ यहाँ पर सही है। पहले मैं आपको तीनों ग्राफ बता देता हूँ, जैसे कॉपर के लिए एक्चुअली फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू रो नॉट
वन प्लस अल्फा चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशेंट। तो इन केस ऑफ मेटल, अगर कोई मेटल है तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर जीरो है तो तब भी कुछ ना कुछ रेसिस्टिविटी रहती है। इसलिए ग्राफ आप देख रहे हो जीरो से शुरू नहीं होता, थोड़ा ऊपर से शुरू होगा। तो ये ग्राफ हो गया कॉपर मतलब मेटल के लिए। नाइक्रोम के केस में भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो तो रेसिस्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन कॉपर और नाइक्रोम का ग्राफ अलग है। फिर सेमीकंडक्टर के लिए इसका रिवर्स होता है, मतलब कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर में डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर तो हमसे कॉपर का ग्राफ पूछा था, तो इसलिए ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पर बैटरी जिसका ईएमएफ है ई और इसको कनेक्ट किया जा रहा है हैविंग द रेजिस्टेंस आर एंड वेरिएबल रेजिस्टेंस आर डैश एज शोन इन फिगर। आर डैश में है वैल्यू बिटवीन आर नॉट नॉन जीरो टू इन्फिनिटी। आर डैश इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी, तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही हो सकती है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, ए बी मतलब ये रिमेन्स कॉन्स्टेंट अगर आप नियरली कॉन्स्टेंट विद वेरिएशन ऑफ आर डैश, मतलब कि अगर आप आर डैश में कोई वेरिएशन करोगे तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर बी है करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कॉन्स्टेंट एज आर डैश इज वेरीड, तो अगर आप आर डैश को वेरी करोगे करंट कॉन्स्टेंट रहेगा क्या, देखते हैं। तो पहले इस ग्राफ इसको डायग्राम को मैं दोबारा बना लेता हूँ। ये है आर डैश जो कि वेरिएबल है, ये आर, ये बैटरी जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। अब फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी, तो ए बी पोर्सन ये है इज कॉन्स्टेंट इफ यू आर वेरिंग रेजिस्टेंस आर डैश। देखो अगर आप आर डैश को वेरी करोगे तो यहाँ पर जो करंट होगा, क्योंकि बी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल बी डैश अगर है तो वो आई आर डैश होगा। तो अगर आप आई मतलब अगर आप आर डैश को वेरी करोगे तो यहाँ पर करंट वेरी करेगा, ये बात तो क्लियर है। लेकिन जो पोटेंशियल ड्रॉप पैरेलल में अगर कोई कॉम्बिनेशन है तो पोटेंशियल ड्रॉप कॉन्स्टेंट होता है, सेम होता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस ए बी वो नियरली कॉन्स्टेंट होगा, इसमें ए स्टेटमेंट सही है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सेम रहेगा। बी करंट थ्रू आर डैश इज नियरली कॉन्स्टेंट एंड आर इज वेरीड, देखो अगर आप आर डैश को वेरी करोगे तो करंट जो होगा वो वेरी करेगा, कॉन्स्टेंट नहीं होगा, क्योंकि आर डैश चेंज होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा तो करंट में भी चेंज आएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट है गलत और ये स्टेटमेंट है सही। अब ऑप्शन देखो, ए और बी ओनली तो नहीं हो सकते, बी तो गलत हो गया, ये भी नहीं हो सकता। अब बचे हमारे पास ऑप्शन थ्री और फोर। सी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, करंट विल बी इक्वल और ग्रेटर देन ई अपॉन आर प्लस आर। अब करंट का फॉर्मूला क्या होगा पहले ये देख लेते हैं। करंट होता है टोटल ई एम एफ अपॉन में आर इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट में पहले तो आप देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, पैरेलल में जब होते हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई अपॉन एडिशन होता है, तो ये हो गया दोनों का इक्विवेलेंट, ठीक है, मतलब सिर्फ इन दोनों का। और सर्किट का अगर मैं आर इक्विवेलेंट देखूं तो मैं इसको लेट आर टोटल बोलता हूँ, तो वो कितना होगा, इसमें ये जो रेजिस्टेंस है स्मॉल रेजिस्टेंस आर वो भी ऐड हो जाएगा, तो क्योंकि वो सीरीज में होता है एक्चुअली। अब ग्राफ जो डायग्राम है वो ऐसा हो जाएगा आर इक्विवेलेंट अपॉन में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो सीरीज में तो डायरेक्टली ऐड कर देते हैं हम, तो आर टोटल एक्चुअली इसको ध्यान रखना है, ये आर टोटल है ई अपॉन में आर टोटल, टोटल मतलब पूरा सर्किट का हम लेंगे, तो इसको आर इक्विवेलेंट लिख करके आर टोटल में लिख रहा हूँ। अब ई एम एफ ई अपॉन में आर टोटल कितना आ गया, आर प्लस आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट कितना है आर इंटू में आर डैश अपॉन में आर प्लस आर डैश, इसको मैं लिख सकता हूँ आई अपॉन में ई अपॉन में आर प्लस, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ आर डैश को नीचे डिनोमिनेटर में लिखते हैं, आर आर डैश प्लस वन। अब यहाँ से ये जो कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, सपोज करो कि आर की वैल्यू है इन्फिनिटी, आर डैश अगर इन्फिनिटी होगा तो क्या होगा, आई इक्वल टू आएगा ई अपॉन में आर प्लस आर अपॉन में इन्फिनिटी
प्लस वन। अब वन कोई भी चीज हो, वन अपॉन इनफिनिटी कितना होता है, जीरो। तो इसका मतलब आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई अपॉन में आर प्लस आर, ठीक है, क्योंकि योग अपॉन इनफिनिटी जीरो, वन अपॉन इनफिनिटी जीरो, जीरो प्लस वन वन, तो आर अपॉन वन कितना होगा आर। तो जो ई एम एफ जो करंट होगा वो कितना हो जाएगा, ई अपॉन में आर प्लस आर, ये होगी वो कंडीशन जब ये इक्वल है। इसके अलावा अगर आप आर नॉट को कोई भी नॉन जीरो वैल्यू रखोगे तो करंट की वैल्यू ई अपॉन आर प्लस आर से कम ही आएगी, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन थ्री एंड सी ओनली। क्वेश्चन नंबर 105 पूछा है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है प्योर रेसिस्टिव सर्किट में। अगर प्योर रेसिस्टिव सर्किट होता है तो उसमें वोल्टेज एंड करंट बोथ है सेम फेज में, ठीक है, यानी कि जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है 0 डिग्री का। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि करंट और वोल्टेज में पाई बाय टू का वेरिएशन होगा, तो ये गलत है। सेकंड, द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज बट देयर मैक्सिमा, देयर मिनिमा एंड मैक्सिमा अपीयर इन डिफरेंट प्लेस। देखो मैक्सिमा और मिनिमा भी सेम टाइम पर अक्सर होंगे। थर्ड ऑप्शन में वोल्टेज लैग होगी नहीं, क्योंकि तो इसमें ना तो वोल्टेज और करंट कोई लैग और कोई लीड नहीं करेगा, दोनों सेम फेज। फोर्थ, द वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज देयर मिनिमा जीरो एंड मैक्सिमा अपीयर एट द सेम रेस्पेक्टिव टाइम, तो ये बिल्कुल सही है। जैसे अगर मान लो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पर जो करंट होगा वी इक्वल टू आई आर होता है, तो आई इक्वल टू कितना होगा, ई अपॉन में आर साइन ओमेगा टी। तो दोनों के जो ग्राफ है, करंट हो भले ही ई एम एफ हो, दोनों के ग्राफ जो है वो साइनसोइडल हो इस तरह से। हाँ वो बात करें, करंट की वैल्यू थोड़ी कम हो सकती है लेकिन होंगे दोनों साइनसोइडल, मतलब तो दोनों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू सेम टाइम पर आएंगी, तो इसमें ऑप्शन फोर्थ करेक्ट हो। क्वेश्चन नंबर 106 है, अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडल स्प्रिंग ऑसिलेट अप एंड डाउन। अगर आप एम्पलीट्यूड को डबल कर रहे हो तो टाइम पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। टाइम पीरियड स्प्रिंग का होता है 2π√m अपॉन k। देखो m और k दोनों कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट सेम होगा। ऑप्शन फोर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107 में, द डायग्राम बिलो शोज टी आई आर ऑफ एयर ग्लास इंटरफेरेंस। सब पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टी आई आर होता क्या है। हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। तो टी आई आर होता क्या है, टी आई आर एक ऐसा फिनोमिना है ऑफ द कंप्लीट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। समझाता हूँ, देखो मान लेते हैं कि हमारे पास डेंसर मीडियम है और यहाँ पर लाइट सोर्स रखी हुई है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मान लीजिए हमारा इंसिडेंस एंगल आई है तो हो सकता है ये लाइट दूसरे मीडियम में पास आउट हो जाए। अब अगर आपका इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो ऐसे केस में जो एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन होता है रेयर मीडियम में वो होता है 90 डिग्री, और अगर इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है उस केस में होता है टी आई आर। अब आप इसमें देखो कि जिस मीडियम से लाइट रे निकली उसी मीडियम में वापस आ गई, तो इसी को हम बोलते हैं पी आई आर। और इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस एंगल ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, दूसरा जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जानी चाहिए। तो कंडीशन ऑफ टी आर इज द इंसिडेंट रे मस्ट बी ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, सेकंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल, वो जो मैंने आपको बताया। एक और चीज़, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है रिफ्लेक्शन हो रहा है, आर का मतलब रिफ्लेक्शन, तो इस केस में जो इंसिडेंस एंगल होगा जो कि क्रिटिकल एंगल है वो रिफ्लेक्शन एंगल के भी इक्वल होगा टी आई आर केस में। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि टी आई आर हो रहा है एयर ग्लास इंटरफेरेंस भी, कौन सा करेक्ट नहीं है। पहला एंगल ए ओ एन इज क्रिटिकल एंगल। देखो अगर एंगल ए ओ एन क्रिटिकल एंगल होता जो कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था, इस केस में देखो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल होता है तो ये जो लाइट है वो ग्रेज करती है सरफेस पर, इसको ग्रेजिंग बोलते हैं, और ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, जबकि इस फिगर के अकॉर्डिंग ये लाइट रे यहाँ पर टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में हो गई, तो टी आई आर हो रहा है लेकिन एंगल ए ओ एन, एंगल ए ओ एन ये क्रिटिकल एंगल नहीं है, ये क्रिटिकल एंगल से
ज्यादा एंगल होगा, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल एंगल होता तो लाइट इधर से जाती है ऐसे, तो इसका मतलब ये तो नोट करेक्ट है, मतलब ये नोट करेक्ट है, इसका मतलब हमें तो वही लेना है ना जो नोट करेक्ट हो। तो फर्स्ट आंसर सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है। सेकंड, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज ग्रेटर देन दैट इन एयर। तो मैं आपको बता दूं, अगर डेंसर मीडियम है तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस होती है एज कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, देखो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप एन या म्यू से डिनोट करते हैं, तो अगर म्यू ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, तो ग्लास में स्पीड कम होनी चाहिए और यहाँ पर स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए एयर में। अब स्टेटमेंट क्या है, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज ग्रेटर, ग्रेटर तो नहीं होगी, कम होगी, तो इसलिए ये भी नोट करेक्ट है, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इफ एंगल ओ एन वर इंक्रीज देयर में भी स्टिल टी आई आर। तो ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप इंसिडेंस एंगल को और इंक्रीज करोगे तब भी लाइट रे वापस उसी मीडियम में आनी चाहिए, क्योंकि कंडीशन क्या है कि इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, वो ज्यादा कितना भी हो सकता है, डिवाइड 90 के। तो ये स्टेटमेंट, मतलब ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन हमारा ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें तो नोट करेक्ट वाला आंसर लेना है, उसको हम नहीं लेंगे, हालांकि स्टेटमेंट सही है। फिर एंगल ए ओ एन बराबर होगा बी ओ एन के, तो क्योंकि टी आई आर हो रहा है तो टी आई आर में लोब रिफ्लेक्शन तो फॉलो होंगे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, बट हमें तो नोट करेक्ट लेना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर एक्चुअली दो पॉसिबल आंसर होंगे, स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू। हालांकि ऑफिशियल आंसर की मैं सिर्फ एक ही आंसर गिवन था, बट बोथ वन एंड टू आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 108, इट इज ऑब्जर्व दैट द ड्यूरेशन ऑफ डे लाइट इज जनरली लॉन्गर देन टाइम बिटवीन द सनराइज एंड द सनसेट। आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक हम सन को देख सकते हैं, फिर उनमें से कौन सा फिनोमिना होता है, पहले मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। जैसे मान लेते रियल सन यहाँ पर है, तो ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन होने की वजह से ये हमें थोड़ा सा ऊपर दिखता है और पहले दिखने लगता है, ऐसे ही सनराइज के दौरान अपेरेंट रियल पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ये हमें यहाँ पर दिखेगा, थोड़ा ऊपर दिखेगा और थोड़ा पहले दिखने लगता है और यहाँ पर बाद तक दिखता है, तो ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। 109, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू फॉर सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस का मतलब है कि कॉन्वेक्स लेंस सिंपल। अब इसका रे डायग्राम देख लेते हैं, अब लेट हमारे पास ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, तो इसका मतलब सिंपल कॉन्वेक्स लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये लाइट को कन्वर्ट करता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा करता है, लेट ये इसका फोकस पॉइंट है, तो इसको हम तभी इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर रखा हो, तो इस केस में जो उसकी इमेज है वो उसी साइड पर बनती है और वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्यों, देखो रे डायग्राम बना देता हूँ, लेट ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये इधर फोकस से गुजर जाएगी और लेके ये जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो इसमें डाइवर्जन नहीं होगा, अब इसको कहीं पर ये पीछे मिलवाएंगे, तो क्योंकि ये मैं डेड डॉट डॉट लाइन से काम कर रहा हूँ, तो ये होगी एक वर्चुअल इमेज। अब ये वर्चुअल है तो ये रेक्ट की होगी, ठीक है, और लार्जर होगी देन दी ऑब्जेक्ट, तो इतनी चीजों को ध्यान रख, जो हम लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं उसका दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। इमेज को हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, इमेज वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी और साइज में बड़ी होगी। अब ये स्टेटमेंट हमें गिवन है बताने की कौन सी ट्रू है और कितनी ट्रू है, बाद में ये बताना है, द इमेज इज रियल, नहीं इमेज वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, तो इरेक्ट तो होगी, ये बात सही है। सी द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो अभी हमने दिखाया है साइज, आप देखो इस पेंसिल का बड़ा हो गया यहाँ पर,
इसलिए तो वो मैग्नीफाई लेंस है, तो ये भी ठीक है। द लेंस इज डाइवर्जिंग, नहीं, डाइवर्जिंग होता है कॉनकेव, कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, तो ये इनकरेक्ट हो गई। द ऑब्जेक्ट इज इनसाइड द फोकल पॉइंट, तो अब देखो हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट के इनसाइड रखा है ऑप्टिकल सेंटर के बीच और एफ और ओ के बीच में, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। द इमेज इज नेचुरली आउटसाइड द फोकल पॉइंट, देखो इसके बारे में नहीं कह सकते कि वो आउटसाइड द फोकल पॉइंट होगा, हाँ ये बात श्योर है कि वो ऑब्जेक्ट के ही साइड पर बनेगी, यहाँ पर ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कितने स्टेटमेंट करेक्ट हो गए, 1, 2 और 3, यानी कि थ्री स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑप्शन वन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 110, अ कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वन विद द सेंटर ऑफ कर्वेचर नेसेसली, देखो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इस तरह से है, तो अगर लाइट आ रही है तो उसका जो कॉनकेव सरफेस होगा, कॉनकेव पॉइंट होगा, वो उसी साइड पर होगा जिस तरफ से इमेज, जिस तरफ से लाइट आ रही होगी, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑन द साइड विद द ऑन द साइड ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी कि ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट करेक्टली, देखो यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है, पहले मैं ये बता देता हूँ। तो यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट होता है वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इसका मतलब ये हुआ कि उसकी जो स्पीड होगी वो रहेगी कांस्टेंट। अब जब भी स्पीड कांस्टेंट है यानी कि स्पीड वेरी नहीं कर रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो रहेगा जीरो, क्योंकि स्पीड तो चेंज नहीं हो रही। एक्सेलेशन होता है क्या, वेलोसिटी में चेंज, तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलेशन जीरो होगा। दूसरा, जब स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो उसका डिस्टेंस होगा वो डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे डिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। तो इनमें से करेक्ट ग्राफ हमें चूज करना है, देखो फर्स्ट है एस, मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, यह है टाइम, तो डिस्टेंस डायरेक्टली टाइम पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बी। वेलोसिटी यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही थी, ये भी ग्राफ सही हो गया। एक्सीलेशन कांस्टेंट होगा, नहीं, एक्सीलेशन होगा जीरो। फिर डिस्टेंस सेम रहेगा, नहीं, ये भी इनकरेक्ट है, तो ए और बी यहाँ पर करेक्ट होंगे, बी, तो फर्स्ट आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 14, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन प्लेनेट अर्थ कौन है, तो सारी की सारी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, सन से। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें यहाँ पर ग्राफ की मैंने, तो हमें बताना है कि इंटरवल बी डी किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बी से डी। तो देखो अगर मैं एक वेव ड्रॉ करूं, तो ये यहाँ से शुरुआत हुई इस वेव की, तो यहाँ से लेकर के फिर से यहाँ तक अगर हम आ रहे हैं तो ये वन कंप्लीट वेव लेंथ हो जाती है। अब और अगर मैं मान लो यहाँ से शुरुआत करूँ, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वन कंप्लीट वेव हो गई, तो ये जो पॉइंट है डी, ये इस कंप्लीट वेव का जस्ट हाफ पॉइंट है। तो पी से डी क्या होगा, क्योंकि टाइम एक्सिस पर है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा टाइम को, लेकिन बी से डी बताना टाइम पीरियड जस्ट हाफ होगा, क्योंकि कंप्लीट वेव को जो टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, वन कंप्लीट वेव के लिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, टाइम पीरियड अपॉन 2। क्वेश्चन नंबर 16, अ गर्ल ऑन लार्ज मेरी गो राउंड मूव्स हॉरिजॉन्टली ऑन अ सर्कुलर पाथ एट यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब कोई बच्ची है वो झूला झूल रही है, इस तरह से झूला सर्कुलर। अब सी ट्रेवल्स 1/4 ऑफ द रिवॉल्यूशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 अलोंग द सर्कमफेरेंस, तो वो 1/4 मतलब रिलेटिव यहाँ तक आई, 1/4 तो इसका यही होगा 1/4 पोर्शन, तो जब वो यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रही है उसने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया, 25 मीटर ऑफ द सर्कल इन 5 सेकंड, और उसको टाइम कितना लगा, 5 सेकंड का। अब पूछे मैग्नीट्यूड ऑफ हर एक्सेलरेशन कितना होगा, तो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है स्पीड कॉन्स्टेंट है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन में आर, तो हमें रेडियस पता करना पड़ेगा और स्पीड भी पता करनी पड़ेगी कितना होगा, तभी हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन फाइंड कर पाएंगे।
तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम। अब देखो डिस्टेंस भी हमें पता है 25 है, टाइम भी पता है 5 है, तो स्पीड निकल जाएगी, तो स्पीड हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस है 25, टाइम है 5, तो स्पीड कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड। तो हमें v की वैल्यू पता चल चुकी है जो कि 5 मीटर पर सेकंड। हम रेडियस कैसे निकालें, तो देखो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है पूरे सर्कल का 1/4 किया है, पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है डिस्टेंस होगा वो था 2πr, लेकिन कवर कितना करा उसका 1/4, तो मैंने इसका 1/4 कर दिया, तो यही डिस्टेंस हमें गिवन है 25 के इक्वल। तो यहाँ से 2πr/4 25 के इक्वल, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, पूरे सर्कमफेरेंस का 1/4 जो डिस्टेंस है वो उसने कवर किया और वो डिस्टेंस है 25 मीटर। यहाँ से आर 5 × 4/2π, तो 4 का हाफ 2, तो 25 × 50/5 रेडियस आ जाएगा। तो हमें रेडियस की वैल्यू पता चल गई है। अब यहाँ पर पुट करते हैं v² / r, v का स्क्वायर कितना 5 का स्क्वायर/, रेडियस कितना है 50/5, तो ये हो गया 25/50 × π जाएगा ऊपर, तो इसको से डिवाइड 2 आ गया, एक्सेलेरेशन आएगा 5/2, या फिर 3.14 को डिवाइड करेंगे 3 से, सॉरी ये 2 है यहाँ पर, तो 3.14 को 2 से डिवाइड करने पर 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में कि कौन सा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, क्योंकि ये बताता है दो ऑब्जेक्ट अगर मास m1 और m2 है, उनके बीच में डिस्टेंस r, तो उनके बीच में लगती है फोर्स F=gm1m2/r2। तो जो जी होता है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए क्योंकि कहीं पर भी आप जाओ पूरे यूनिवर्स में ये कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 ये है कि ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पर है और उसको ऊपर जाना है जिसकी हाइट है 5 मीटर, इसका मास है 5 kg, तो स्लाइड्स विदाउट फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए पॉइंट पी पर। देखो जब ये यहाँ पर जा रहा है तो ऊपर तक तभी जा पाएगा जब इसमें कुछ इनिशियल एनर्जी होगी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड है वी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv². अभी मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए कि यहाँ पर जस्ट पहुंच जाए, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो कम से कम इतनी हो कि यहाँ पर वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाए कम्प्लीटली। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है पॉइंट पी पर वो इक्वल होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट में रहता हूँ क्यू। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होगा ½mv², पोटेंशियल एनर्जी क्यू पॉइंट पर कितनी हो जाएगी mgh, एम से एम कैंसिल करो तो वी इक्वल टू कितना आ जाएगा √2gh, तो इस तरफ जाएगा, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लें 2, जी की वैल्यू 10, हाइट कितनी 5, तो कितना हो गया 2 × 5 10 × 10, तो 10 का स्क्वायर भी कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब मिनिमम स्पीड 10 मीटर पर सेकंड रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 2 kg, तो इस ऑब्जेक्ट पर दो फोर्स लग रही है, एक ईस्ट में जो कि 8 न्यूटन है और एक नॉर्थ में जो कि 6 न्यूटन है, तो लेट मैं मेजर करूंगी इसकी नेट फोर्स इस तरफ होगी कहीं, अभी होगी कितनी, तो अगर मान लीजिए कोई वेक्टर ए और बी है उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला √a² + b² + 2ab cos θ, तो अगर मान ए वेक्टर इस तरफ है बी वेक्टर इस तरफ है दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर दोनों फोर्स के बीच में रिजल्टेंट जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री, दोनों फोर्स के बीच में, तो cos 90 होता है 0, तो इसका मतलब यहाँ पर जो रिजल्टेंट है a² + b², क्योंकि ये पोर्शन हो चुका होगा 0 cos 90 की वजह से, तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगी वो रहेगी 6² + 8² तो ये आएगा 10। ठीक है, हमें क्या निकालना है एक्सेलरेशन, तो
एक्सेलरेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स अपॉन में मास, क्योंकि एफ इक्वल टू मास तो एक्सेलरेशन होता है। रिजल्टेंट फोर्स कितनी है, 10 न्यूटन, मास कितना है 2 kg, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। अब पूछा गया है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन भी पूछी है, तो नेट फोर्स की डायरेक्शन मतलब कि लेट में इसको ज़ूम कर लेते हैं, ये नेट फोर्स थीटा, मैं ईस्ट से बताऊंगा ईस्ट से कितने एंगल पर होगा, तो इसलिए मैं एक अलग डायग्राम बना देता हूँ। एक फोर्स इस तरफ है 8 न्यूटन, ये ईस्ट डायरेक्शन में है, रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पर आ रही है, लेट एंगल बना रहे थीटा मतलब थीटा बना रहे हैं, और ये है 6। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर जो कि 6 न्यूटन है अपॉन में बेस जो कि 8 है, यानी कि एफ आई अपॉन में एफ एक्स, ये है 6 और ये है 8, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 इनवर्स 6 अपॉन में 8, या फिर 10 इनवर्स इसका हाफ कर दो तो 3 अपॉन में 4, तो एक्सेलरेशन होगा 5 और एंगल होगा 10 इनवर्स 3 अपॉन में 4, ना कि 4 अपॉन में 3, क्योंकि ईस्ट से पूछा है, तो ईस्ट से तो यही होगा, ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ से एंगल थीटा हमने लिया है, तो फोर्थ आंसर करेक्ट होगा।